सब लोग, मैं हूँ पिंकी। पिंकी किचन में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे एक रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये है छोटी मछली, मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। इसे बंगाली में चापिला फिश बोलते हैं, इसे और नाम से भी जाने जाते हैं। ये खाने में दोस्तों इतने अच्छे होते हैं, इतनी स्वादिष्ट होते हैं। अगर आप लोग मछली खाते हैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अभी इसे हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना मेरा हो गए हैं। अभी कढ़ाई बिठा दिए हैं मैंने गैस ऑन करके। अभी हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। चारों ओर तेल को फैला लेंगे ऐसे कढ़ाई में घुमा घुमा के। तेल गरम हो गए हैं, आप देख ही सकते हैं। अभी हम फिश को छोड़ेंगे। छोटी मछली में बहुत सारे गुण और विटामिन होते हैं, जो खाते हैं उसे पता चलता है कि इसकी टेस्ट कितना ज़्यादा है। सेम प्रोसेस में आप बड़ी मछली भी बना सकते हैं। बड़े मछली भी या रोहू फिश, कातला फिश या पापड़ा फिश। फ्राई करना मेरे हो गए हैं। अभी फिश को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह आपको गोल्डन ब्राउन करना है फिश को, फ्राई कर लेना है। मसाले की ओर चलते हैं। मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज लिए हैं। प्याज मैंने दो मीडियम साइज़ के लिए हैं। मसाले में मैंने लिए हैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और रेड चिल्ली पाउडर मैंने 1 चम्मच करके लिए हैं। मस्टर्ड ऑयल लिए हैं मैंने 4 चम्मच। मस्टर्ड पाउडर मैंने पेस्ट ले लिए हैं। इसी मसाले के साथ छोटी फिश की एक ग्रेवी बनेगी। अभी हम अदरक, लहसुन, प्याज एक साथ सब कुछ पेस्ट बना लेंगे। अभी हम इसमें ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो गए हैं। अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे। देखिए इसी तरह आप बनाइए घर में। पहले मसाले को पेस्ट करके अलग से रख दीजिए। इस तरह पेस्ट होंगे। छोटी सी एक कटोरी में सारे मसाले को डाल के इसे भी पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी ही पानी ऐड किए हैं मैंने 1 स्पून से। इसे बैटर बना लेंगे मसाले के। इसे अलग से रख के इसी कढ़ाई में मुझे फिर से मस्टर्ड ऑयल डालना है। 4 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिए हैं।
कलौंची ऐड करने हैं हमें, एक चम्मच या आधे चम्मच आप ऐड कीजिए कलौंची को। एक चुटकी में हल्दी पाउडर डालूंगी। उसके बाद पेस्ट किए हुए मसाले को भी ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर मैंने पहले इसीलिए एक चुटकी डाले हैं, तेल चटकने लगते हैं तो हल्दी पाउडर डालने से उतना नहीं चटकते हैं। तो सारे पाउडर मसाले जो मैंने पेस्ट बना के रखे थे वो भी डाल दिए हैं इसमें। अभी अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। देखिए मसाले में से तेल छोड़ना चाहिए, तेल छोड़ दिए हैं। इसके बाद मैंने जो मस्टर्ड पेस्ट मैंने बना के रखे थे, मस्टर्ड पाउडर, उसे भी डाल दिए इसमें। अभी इसको अच्छी तरह से छेनी से चला लेंगे। तेल छोड़ देने के बाद अभी हम पानी ऐड करेंगे। आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उतनी ही पानी ऐड कीजिए। अभी हम इसमें ढक्कन लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिए हैं पूरा पानी में से। अभी हम इसमें फिश डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और ये राइस के साथ खाए जाते हैं। आप ज़रूर अगर मछली खाते हैं तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अभी हम थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मत डालिए। अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।